हर किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि कौन इमरजेंसी में जा रहा है और कौन शौक में जा रहा है, या अगर इतना पता चलने लग जाए तो फिर अंतर्यामी हो जाए कि भैया क्या सोच रहे हैं, भैया क्या सोच रहे हो वो पता चलने लग जाए। तो एक ताई जी जा रही थी, रोक दिया उनको, ताई जी भजन खत्म हो जाए उसके बाद चले जाना, वो उनको रोक दिया। वो तो ठीक है, उस समय तो रुक गए, और अगले दिन पता नहीं किसी का फोन आया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको क्या पता किसी की इमरजेंसी हो गई हो। तो मैं बोली भाई या तो मेरे को पता नहीं था, आपको था वैसे तो आप बता देते, और इसमें इतना बुरा नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बुरा मानने वाली बात है, इमरजेंसी हो सकती है। मैं बोली देख भाई मेरा काम मैं अपने तरीके से करूँगी, अच्छा लगे तो अगली बार आना, नहीं अच्छा लगे। और वैसे भी ये मेरी बात छोड़िए, जो भी भजन गाते हैं पांच लोग हों, सिर्फ पांच लोग जब मिल के बाबा को भजन सुना रहे हों, उसको उन पांच के अलावा किसी छट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हजारों की भीड़ हो और दो लोग भी बाबा को भजन सुनाने वाले ना हों, तो फिर वो हजारों की भीड़ हमारे किसी काम की नहीं है। जिन नजरों को बाबा एक आंख न भाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते, अब वो भी गले लग कहे अपनापन जताते हैं, जब कोई नहीं आता। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम। ओ मजे की बात ऐसी है, जब तक आप लोगों के काम आते रहोगे तब तक तो आप बड़े अच्छे हो। 99 बार आपने हाँ करी उसको कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन एक बार अगर आपने ना कर दी वो सबके याद हो जाती है। आजकल वो कल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आजकल रखा करो हिसाब कि आपने किसके लिए क्या किया है, क्योंकि कभी भी लोग पूछ देते कि बता तूने मेरे लिए क्या किया, और कहीं कहीं तो विचित्र स्थिति हो जाती है। आप बता भी दोगे कि भाई ये मत भूल कि मैंने ये करके ये किया था, मेरे से पूछ के किया था, मैंने बोला था करने को, मैंने बोला था। उस समय ऐसा लगता है ये जो बाहर ठंड है मतलब सच में कि भैया दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हम ही हैं, कि हमने अपने आप को तकलीफ में रख के सामने वाले की मदद भी करी और सामने वाला बोल रहा है हमसे पूछ किया था। लेकिन फिर वही है ना कि जिसके ऊपर इसकी कृपा का हाथ है उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, ये आपके साथ है, सारी दुनिया आपके आगे झुकेगी। और ये आपके साथ नहीं है, पूरी दुनिया आपके साथ है, पूरी दुनिया के साथ साथ आप भी झुकोगे। दीदी आपने बड़ी
दीदी दीदी आपने इस प्यारी सी बड़ी एक बात बोली थी, ये रे पीछे पीछे। अच्छा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, उस बात को आज तक गांठ बांध रखा है क्या? भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा हो, कोई देखे या ना देखे, सांवरा देखता होगा, भलाई कर बुराई कर बुरा होगा। कुछ याद आ गया, देखिए जिस समय ये लॉकडाउन हुआ था उस समय बड़ी शुरुआत में बड़ा जोरों शोरों से सब लोगों ने मुहिम उठाई थी कि सब जरूरतमंदों की मदद करेंगे, बहुत अच्छी चीज सबने करी। उस समय मुझे नहीं पता वो कौन थी, क्या मतलब था उनका या क्या तकलीफ थी। एक बंदी ने कहीं पे ऐसे बकायदा नाम मेंशन करके बोला, रेशमी जी बाबा से मुंह फाड़ फाड़ के खाली मांगेंगी, कुछ आप भी कर दीजिए। मैं बोली बेटा ये क्या, सीरियसली बकायदा ये लिख के कि बाबा से मुंह फाड़ के सिर्फ मांगेंगी, कुछ करिए। नहीं उसलिए नहीं किया था, दुनिया को सर्टिफिकेट देने के लिए अपन नहीं पैदा हुए। जिसको अच्छा समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा दूर से राम राम। आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। देखिए दुनिया से सुनिएगा तो मुझे बुराई पाइएगा, दुनिया से सुनिएगा तो मुझे बुराई पाइएगा, जब मिल के जाइएगा तो मुस्कुराते हुए जाइएगा, इस बात की। उसके बाद फिर कुछ एक भाइयों ने जवाब दिया कि अरे भैया आप उनको पर्सनली नहीं जानती है, फिर आपको ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो मेरे भी दिमाग में आया कि भैया देखो करने की बात तो है, करना भी चाहिए, उससे पहले भी कर रहे थे लेकिन आदत वो नहीं थी कि दुनिया को बताना है। ठीक है चलो कम से कम लोगों को थोड़ा सा उनकी संतुष्टि के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दी कि भैया देखो हाँ हमने भी किया है, बख्श देना, दोबारा ऐसे मत बोलना। उस पे भी एक भाई साहब, बताने की क्या जरूरत थी, रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, वो गए थे बताने। मैं बोली नहीं आप तो उनके घर में मीडिया लगे हुए थे, आपको तो टाटा जी ने फोन किया था, भाई मैंने 1500 करोड़ रुपए दिए, आपको तो फोन करके उन्होंने पर्सनली बोला था। अरे उन्होंने नहीं बोला, उनकी पीआर टीम ने बोला, तभी तो आपको पता चला या आप अंतर्यामी हो गए थे। बताओ तो बुरा, ना बताओ तो बुरा, ये तो वो गधे और बाप बेटे वाली कहानी हो गई। लेकिन तकलीफ सबके है, बस वही बात है, सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पांव नहीं देखे, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने में आले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते। कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, ये 3 लाइन याद रखिएगा, मुझे हिम्मत मिलती है, शायद आपको भी मिलेगी। राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, तेरे साथ है सांवरिया, परेशान नहीं होना, कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं, कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां होंगी, उनको पूरा करना पड़ेगा तभी आएगा विश्वास। अगर पाका
ये दौड़ के आएंगे रिश्ता तो बनाने से, ये प्रीत निभाएंगे। और पक्की बात है, अपने जीवन के पन्नों को पलट के देख लीजिएगा, कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं, कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, तूने दिल से रिझाया तो तेरे साथ ये चल देगा, तेरे जीवन का माधव इतिहास बदल देगा। कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं, जब कोई